हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीराज क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं इस तरीके के, ये इसे रेड लिली भी कहा जाता है। ये समर का बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी इसकी केयर कैसे करनी है, इसके लिए क्या वाटर रिक्वायरमेंट है, सॉइल मिक्स का किस तरीके से तैयार किया जाता है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा भी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये गार्डन में कुछ एम्बस लिली के प्लांट लगे हुए हैं, इसे रेड लिली भी कहते हैं। और इसके जो बल्ब होते हैं, इस तरीके से इनके बल्ब लगाए जाते हैं। ये देखिए आप, ये बल्ब देख सकते हैं, इनको फरवरी में लगा दिया जाता है। अगर आप किसी बीज वाले की दुकान से लेंगे तो आपको इस तरीके का एक कंद मिलेगा, आप इसको लगा सकते हैं। फरवरी में इसको लगाइए तो उसके बाद ये मार्च अप्रैल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। और जो इनसे बहुत सारे फिर छोटे बल्ब निकलते हैं, और जो फ्लावरिंग होती है वो जो मेन बल्ब होता है उसी से होती है। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पॉट में लगाया हुआ है। और इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स होती है वो, इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसमें ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसके जो बल्ब होते हैं वो सड़ भी सकते हैं। लेकिन जिस समय इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है उस समय आपको इसमें पानी जो है वो सफिशियंट देना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ इस तरीके के बल्ब रखे हैं, ये जो इस समय तो नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर अगर फिर बड़े हो जाएंगे तो इनमें भी फ्लावरिंग होगी इस तरीके से। और आप इसमें कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं, 50% अगर आप गोबर की खाद ले लें और सैंड मिक्स ले लें। इस तरीके से आप पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे, सॉइल मिक्स, तो आपका ये जो फ्लावरिंग है काफ़ी अच्छे टाइम से करेगा। और इसमें किसी भी तरीके की पेस्ट अटैक नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक ये जो फ्लावर है वो टिका रहता है। साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब ये अपनी फ्लावरिंग पे आता है तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, ये जानकारी पसंद आए, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।